नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं, वक्त है न्यूज 100 का। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ है नंदिता। शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने शुरू किया कॉम्बिंग ऑपरेशन। सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर के नजदीक आर्मी यूनिट पर हुआ था आतंकी हमला। नगरोटा में सेना के कैंप पर हुआ था फिदायीन हमला, 2 अधिकारी और 5 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। नगरोटा में पुलिस की वर्दी में आतंकियों ने 12 जवानों समेत 16 लोगों को बनाया था बंधक, सभी बंधक सही सलामत रहा। जम्मू के सांबा के चमलियाल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, बीएसएफ के काफिले पर किया गया हमला, हमले में 5 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद पीएम मोदी से मिले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, नगरोटा में हुए आत्मघाती हमले की दी जानकारी। डबल आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर चौकसी, चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी। पठानकोट पर हमला 6 नहीं 4 आतंकवादियों ने किया था, लोकसभा में सरकार का कबूलनामा। पहले सरकार ने कहा था हमले में शामिल थे 6 आतंकी, पहले दिन ही मारे गए थे 4 आतंकी, 2 कथित आतंकियों की तलाश में 2 दिन तक चला था सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का पहला बयान, कहा एलओसी पर बहुत जल्द सुधरेंगे हालात। नोट बैन पर आज भी हो सकता है संसद के दोनों सदनों में हंगामा, कल हंगामे के बीच पास हुआ था इनकम टैक्स संशोधन विधेयक। सरकार नोट बैन पर बहस के लिए तैयार, पर संसद में पीएम के मौजूद रहने की मांग पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। नोट बैन पर पैसे जमा कराने की नहीं बढ़ेगी तारीख, बैंकों में 30 दिसंबर तक जमा होंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। इस सीजन के पहले कोहरे की चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार में लगा ब्रेक। घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स पर पड़ा असर, ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी, उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे की चादर। संसद की सुरक्षा से खिलवाड़ में एएपी सांसद भगवंत मान दोषी, वीडियोग्राफी मामले में किरीट सोमैया आज सौंपेंगे लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट। भगवंत मान ने घर से संसद तक जाने का वीडियो बनाकर उसे अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था। पीएम मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों से मांगा बैंक स्टेटमेंट, 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक का बैंक स्टेटमेंट 1 जनवरी तक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के पास जमा करवाने को कहा। महाराष्ट्र के बाद गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी का दबदबा, 31 जगहों पर हुए उपचुनावों में भी बीजेपी ने बाजी मारी। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव पर जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी, कहा सूबे में बीजेपी की लहर नहीं सुनामी है। कर्नाटक की 7 साल की सजा ने नोट बैन को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, चिट्ठी में नोट बैन के फैसले की तारीफ। पटना साहिब में होने वाले गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता, दिल्ली में पीएम से मिले तख्त के जत्थेदार। नोट बैन के बाद डीटीसी पर लगा 8.5 करोड़ के पुराने नोट बदलवाने का आरोप, बीजेपी का आरोप आम आदमी पार्टी के खजाने का है बदला गया पैसा। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताया इसे डीटीसी के अधिकारियों का काला पैसा जो किया जा रहा था सफेद। एनजीटी ने दी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के लिए यमुना नदी पर एक पुल और सड़क बनाने की इजाजत, एनएचएआई ने दी थी अर्जी। अपने एरिया की सभी झुग्गियों को पानी देगा बीएमसी, साल 2000 के बाद पहली बार मिलेगा कई झुग्गियों को पानी। सुशील मोदी ने कहा आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में खत्म हो जाएंगे नीतीश, लौट कर एनडीए में आना चाहिए। शरद यादव ने कहा एनडीए में नहीं जाएंगे नीतीश कुमार, सिर्फ नोट बैन का किया है समर्थन। नाबा जेल ब्रेक मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और हेड वार्डन गिरफ्तार, साजिश में शामिल होने का शक। चेन्नई में एनआईए ने अलकायदा के एक और आतंकी को किया गिरफ्तार, इससे पहले तमिलनाडु के मदुरई से पकड़े गए थे 2 आतंकी। 2016 में पकड़े गए देश भर के आईएसआई के 24 संदिग्ध एजेंट, सबसे ज्यादा राजस्थान और पंजाब से गिरफ्तारी। हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री शुरू, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दरगाह ने दी अनुमति, लेकिन मजार को छूने की इजाजत नहीं। पंजाब के बरनाला में एक ड्राइवर के खाते में आए करोड़ों रुपए, गलती से जमा हुए 9,805 करोड़ रुपए, शिकायत के बाद जांच शुरू। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने पकड़ी 19 लाख रुपए की पुरानी करेंसी, करेंसी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। माँ बाप के घर पर बेटे का नहीं है कानूनी हक, दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा
बेटा सिर्फ माँ बाप की दया पर रह सकता है। पहली से आठवीं तक के बच्चों को अनिवार्य योगा अभ्यास करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। 3 महीने में सरकार तय करे योग अभ्यास अनिवार्य या नहीं। आईएएस एमएम कुट्टी होंगे दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी, केके शर्मा की जगह लेंगे एमएम कुट्टी। योगेंद्र यादव का केजरीवाल सरकार पर हमला, ऑटो घोटाले का लगाया आरोप, 1,85,000 का ऑटो 5 लाख में बेचने का इल्जाम। आज शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर युवराज सिंह, चंडीगढ़ में हेजल कीच के साथ लेंगे साथ फेरे, पीएम मोदी हो सकते हैं शादी में शामिल। शादी से पहले कल मेहंदी की रस्म के साथ संगीत सेरेमनी का भी हुआ आयोजन, सोशल मीडिया पर युवराज ने शेयर की तस्वीरें। नोटबैंड के विरोध में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पटना में धरना देंगी, मंगलवार को लखनऊ में किया था विरोध प्रदर्शन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार में पूरे किए 11 साल, शिवराज को बधाई देने पहुंचे मंत्री और आम लोग। 11 साल पूरे होने पर शिवराज सिंह का ऐलान, कॉलेज में हर बच्चे को देंगे स्मार्टफोन, गरीबों को देंगे लोन। तेलंगाना के वारंगल में एक प्रॉपर्टी कारोबारी ने पूर्व बीजेपी सांसद सी जग्गा रेड्डी को मारा थप्पड़, वायरल हुआ थप्पड़ कांड का वीडियो। गुजरात के अमरेली में एक बिजनेसमैन ने दरोगा को जड़ा थप्पड़, गुस्साए पुलिस वालों ने बिजनेसमैन की जमकर पिटाई की। देहरादून में गोली लगने से एक जवान की मौत, पुलिस लाइन एरिया में हुई थी फायरिंग। झारखंड के दुमका में 5 नक्सली गिरफ्तार, देसी हथियार के साथ 31 लाख रुपए की पुरानी करेंसी भी बरामद। जनसंवाद के दौरान एक्शन में झारखंड के सीएम रघुवर दास, कई अधिकारियों पर गिरी गाज। झारखंड पुलिस को दी गई मोबाइल ट्रांजैक्शन की जानकारी, अब 5 लोगों की डिटेल पेमेंट करना सिखाएगी सरकार। पंजाब के जालंधर में ट्रेन में बम की सूचना के बाद मची अफरा तफरी, जम्मू से पटना जा रही थी अर्चना एक्सप्रेस, बम की हुई थी अफवाह, तलाशी में नहीं मिला बम। कश्मीर घाटी के बनिहाल में श्रीनगर के बीच हुआ ट्रेन का ट्रायल, 135 दिनों से बंद थी रेल सेवा, बंद से रेलवे को 25 करोड़ का नुकसान। दलाई करमापा लामा ने किया अरुणाचल प्रदेश का दौरा, दौरे की सफलता के लिए अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को कहा शुक्रिया। चेन्नई में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पकड़ी 5 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़े गए 4 तस्कर। राजस्थान के उदयपुर में सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया अमेरिकी नागरिक, पुलिस जांच में जुटी। जयपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारियों और पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। एमपी के ग्वालियर में फर्जी थानेदार गिरफ्तार, 3 दिनों तक थाना प्रभारी बन किया था काम, भागने की फिराक में था आरोप। नोएडा की अमिटी यूनिवर्सिटी में छात्र उदित शंकर सिंह की मौत का मामला गहराया, परिवार वालों ने हॉस्टल के डीन पर लगाए गंभीर आरोप। पटना में सीडीपीओ घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, 10,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में बाल विकास पदाधिकारी प्रमिला कुमारी सस्पेंड। कश्मीर के 7 साल के हाशिम मंसूर ने एशियन यूथ कराटे चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक, सानिया कराटे अकेडमी में ली थी कोचिंग। नोटबैंड के बाद दिखा कैशलेस का असर, वाराणसी में शगुन के पैसे स्वैप मशीन से ले रहे हैं किन्नर, नोटबैंड पर पीएम मोदी का साथ। यूपी में आगरा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई कारोबारियों के ठिकानों पर मारे छापे, छापेमारी में काले धन का हो सकता है खुलासा। आगरा के बैंकों में कैश की कमी से गुस्साए लोग, मैनेजर क्लर्क को बनाया बंधक, बैंक पर पथराव कर जाम किया सड़क। यूपी के शाजापुर के बैंकों में कैश की किल्लत, गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम, बैंक अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप। यूपी के पीलीभीत में एक बुजुर्ग को मारने के बाद छिपा बाघ, ड्रोन कैमरे की मदद से आदमखोर बाघ की तलाश जारी। इलाहाबाद के मैदान में खड़ी 4 गाड़ियों में आग, हादसे में 1 ट्रक, 2 कारें और 1 सवारी गाड़ी जलकर खाक। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने शुरू की नई मुहिम, मुहिम का नाम कॉफी विद कैप्टन और हल्का विद कैप्टन। युवा वोटरों को जागरूक करने के लिए पंजाब चुनाव आयोग का नया अभियान शुरू किया, वेब पोर्टल जारी किया डाक टिकट। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल खत्म करने का फैसला, सूबे के परिवहन मंत्री के साथ बैठक के बाद लिया ये फैसला।
दिल्ली में बाइक सवार ने की फायरिंग, रास्ता नहीं देने पर कार चालक पर गोली चलाई, हमले में बाल बाल बचा कार सवार। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की छोटे भाई ने की हत्या, पढ़ाई के लिए टोकने पर छोटे भाई ने किया कत्ल। मुंबई में एक परिवार पर एसिड अटैक, पिता और बेटी बुरी तरह से जख्मी, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। कानपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, शादी समारोह में परिवार के साथ आई थी बच्ची, आरोपी की तलाश में पुलिस। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 20 ड्रम शराब बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में एक पिता ने फांसी लगाकर दी जान, सुसाइड नोट में खुद को बताया निर्दोष, बेटी ने लगाया था छेड़खानी का आरोप। राजस्थान के झुंझुनू में पकड़े गए शातिर एटीएम चोर, 8 साल में 67 लाख रुपए का किया गबन। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने जब्त किए 249 कार्टन विदेशी शराब, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। ब्राजील से फुटबॉल खिलाड़ियों को ले जा रहा विमान कोलंबिया में क्रैश, हादसे में 71 की मौत, ब्राजील में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक। मेडलिन में फाइनल मैच खेलने के लिए जा रही थी ब्राजील की फुटबॉल टीम, बुधवार को होना था मुकाबला। टर्की में स्कूल हॉस्टल में लगी भीषण आग, हादसे में 11 बच्चे समेत 12 की मौत, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। मोसुल में इराकी सेना ने खोजी आईएसआईएस की जेल, कैद खाने में बनाए गए थे कई सेल। इंटरनेशनल रेड क्रॉस का दावा, पिछले 48 घंटों में सीरिया शहर एलेप्पो से 20,000 लोगों ने किया पलायन, लगातार हवाई हमलों के कारण छोड़ना पड़ा शहर। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मचारी। मेक्सिको में फिर फूटा ज्वालामुखी, आसमान में छाया धुएं और धूल का गुबार, एयरपोर्ट को करना पड़ा बंद। अमेरिका में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, व्हाइट हाउस में सामने लगाया गया 80 फीट का क्रिसमस ट्री। नोट बैन के बाद रेटिंग एजेंसी फिच ने घटाई जीडीपी ग्रोथ, 2017 का जीडीपी घटकर 6.9% किया। आइडिया बेचेगी अपना पूरा टावर कारोबार, $100 करोड़ में हो सकती है डील, ब्रुकफील्ड भारती इंफ्राटेल से चल रही है बातचीत। अक्षय कुमार की फिल्म नाम शबाना का फर्स्ट लुक जारी, फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट होंगी एक्ट्रेस तापसी पन्नू, 31 मार्च 2017 को रिलीज होगी फिल्म। फिर साथ देखिए शाहरुख सलमान, सलमान के घर रखी गई पार्टी में शाहरुख पहुंचे। अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म डैडी का फर्स्ट लुक हुआ आउट, अर्जुन इस फिल्म में गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन अरुण गवली की भूमिका में। फिशपोर में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट नजर आ सकती हैं एक्ट्रेस यामी गौतम, फिल्म काबल में साथ दिखी थी ऋतिक यामी की जोड़ी। सलमान खान के टीवी शो बिग बॉस पर नहीं होगा आमिर खान की फिल्म दंगल का प्रमोशन, आमिर ने किसी भी टीवी शो में दंगल को प्रमोट करने से किया इनकार। आयुष्मान खुराना और कृति सैनन की फिल्म बरेली की बर्फी की रिलीज डेट हुई फाइनल, 21 जुलाई 2017 को रिलीज होगी।